रूल बेस्ड एक्टिव फंड्स पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स आर. लेट्स से आपके कार का डीलर आपको 10 कार्स के ऑप्शन देता है एंड आप उसमें से एक कार परचेज करने वाले हो. जनरली इस सिचुएशन में आप अपने कार डीलर को थोड़े इम्पोर्टेंट सवाल पूछोगे, जैसे कि इन 10 कार्स की प्राइस और माइलेज क्या है, क्या ये कार्स मैनुअल या ऑटोमेटिक है, क्या ये पेट्रोल या डीजल पे चलती है या वो इलेक्ट्रिक है, एंड इनके इंजन की कैपेसिटी कैसी है. इन शॉर्ट, कार्स का प्राइस, उनकी माइलेज, उनका फ्यूल एंड उनकी इंजन की कैपेसिटी आर नथिंग बट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं दैट दिस इज द कार आई वॉन्ट टू बाय फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. वैसे ही घर खरीदने से पहले भी आप काफ़ी फीचर्स को ज़रूर ध्यान में रखते होंगे, जैसे प्रॉपर्टी की प्राइस, लोकेशन, कनेक्टिविटी एंड उसकी फैसिलिटीज अमंग अदर्स. इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन फीचर्स को फैक्टर्स या इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स कहा जाता है. फैक्टर फंड्स इन फैक्टर्स के बेसिस पे ही स्टॉक सिलेक्शन, वेटेज और एसेट एलोकेशन को डिसाइड करते हैं. जैसे कार खरीदते समय हम प्राइस, माइलेज और इंजन जैसे फीचर्स को कंसिडर करते हैं, वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी और मोमेंटम जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. वी ऑल नो कि कार की प्राइस और उसके माइलेज को तो कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर बाइंग अ कार, लेकिन क्या इन चार इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स को भी कंसिडर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, इन इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फैक्टर्स ही आपके पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और रिस्क को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट्स हमारी डाइट के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड जब हम इन्हें प्रॉपर मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हमारी फिटनेस और हेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छी रहती है. वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी और मोमेंटम आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर पोर्टफोलियो, एंड इनको कंसिडर करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं. एज आई मेंशन प्रीवियसली, आपके पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म रिस्क और रिटर्न्स इन फैक्टर्स पे ही आधारित है. So don't forget to subscribe to NJ Mutual Fund's YouTube channel for more such insights. You can also visit www.njfactorbook.com for more information on factor investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.